अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सबा मुकद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है जनाब, वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं बनाने जा रही हूँ। और वो रिक्वेस्ट क्या है जनाब, वो है फजेबों से मुतल्लिक। उसको मेरे ख्याल में एंकल ब्रेसलेट बोलते हैं। तो ये मुझे एक दो रिक्वेस्ट आई थी, खातून थी, तो वो मुझे बार बार कह रही थी कि आप प्लीज़ 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 फजेबों के ऊपर व्लॉग बनाएं। और लेकिन मैं आप लोगों को पहले बताती चलूं कि मुझे फजेब पर्सनली पसंद नहीं है, मैंने कभी इतने शौक से नहीं पहनी। तो ये चूंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा यार चलें जल्दी मेरे साथ बाजार चलें, मैंने अभी वो फजेब्स वगैरह जो है वो लेके आनी है, तो मैंने इसके ऊपर व्लॉग बनाना है। तो फिर हम लोग बाज़ार के, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों को तो पता होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, ईद से कुछ दिन पहले। तो उस दिन वो लॉकडाउन जो है वो जनाब स्टार्ट होने जा रहा था, और जब हमने बाज़ार में कदम रखा, यकीन माने इतना रश था, इतना रश था। लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से फजेब लेनी थी, तो मैंने कहा मैं बाज़ार जो है वो मैंने अपना ये काम कम्प्लीट करना है। जब लोगों को पता चला या दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को पता चला कि जनाब लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो दुकानदारों ने और शॉपकीपर ने तब क्या किया, उन्होंने रेट मतलब डाउन करने शुरू कर दिए, ताकि पता नहीं अगले दिन हम लोगों को इजाज़त गवर्नमेंट देती है कि नहीं कि हम लोग शॉप ओपन करें। तो मैंने उस चीज़ से जनाब फ़ायदा उठाया। एक शॉपकीपर थे भाई अच्छे, अल्लाह उनका भला करे, तो उन लोगों के पास, उनके पास मुझे ज्वेलरी नज़र आई, तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास ब्रेसलेट या फजेब वगैरह है, तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, और कुछ फजेब जो है वो आप उसको ब्रेसलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं, और उसको आप फजेब के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने कहा आप मुझे वो आइटम दिखा दें, लेकिन उनके पास आइटम वो थोड़े से थे, तो मैंने जनाब वो चार आइटम बची हुई थी वो मैंने चारों बाय कर ली। तो मैंने कहा चलें अब आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें, ये है जनाब वो मेरा पाउच जिसमें मैंने वो बाय किया था। ये ले जनाब, ये मेरे ख्याल में चाइना की पजेब्स हैं, चाइना की ज्वेलरी है, आई मीन टू से। ले जी जनाब, अब मैं बारी बारी आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ। मुझे बड़ी क्यूट सी लगी थी, तो मैंने कहा मैं नहीं यूज़ करूँगी, तो किसी को गिफ्ट देने के काम भी आ सकती हैं, या जाइना भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये देखें, इसके ऊपर हार्ट बना हुआ है, और अंदर जो है वो जनाब वो एरो बना हुआ है, और हार्ट के अंदर छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं, और ये चेन सी बनी हुई है। इसको मैं इस तरह ब्रेसलेट के तौर पर भी जनाब यूज़ कर सकती हूँ, इस तरह भी, ये देखें, ऐसे भी यूज़ हो सकती है, और अगर आपने पजेब के लिए यूज़ करनी है तो फिर भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, बड़ी क्यूट सी मुझे लगी थी, तो मैंने कहा मैं चलें आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, चलें जी अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब ये लें, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड की, रियल गोल्ड होता है। ये देखें, इसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स बने हुए हैं, और कुछ बॉल्स के अंदर वो छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल सिंपल बॉल्स हैं, मतलब थ्री टाइप ऑफ बॉल्स हैं। उसके अलावा ये छोटा छोटा सा फ्लावर बना हुआ है, ये देखें, ये भी आप ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकती हैं, ये देखें, ब्रेसलेट के तौर पर भी, ये देखें, मैंने पहन के भी देखी थी, मुझे ब्रेसलेट के तौर पर भी बड़ी अच्छी लगी, और अगर पाँव में आपने पहनी है तो पाँव में भी। ये लेंच चाइना से काफ़ी अच्छी ज्वेलरी आनी शुरू हो गई है। ठीक है जी, क्यूट लग रही है ना आपको, लॉक लगा हुआ है, और जहाँ मर्जी आप उसको, यहाँ पे जहाँ मर्जी आपने जितना टाइट करना है आप टाइट भी कर सकते हैं। चेन है ये नीचे काफ़ी लंबी, ठीक है, चलें जी अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलती हूँ। ये देखें, ये बहुत प्यारी है, ये इसमें छोटे छोटे कॉइन्स बने हुए हैं एक चेन में, और एक तरफ बॉल्स, और वाइट जो हैं वो मोती लगे हुए हैं, और अंदर छोटा सा ये एक डायमंड बना हुआ है। ठीक है, इसका भी लॉक सिस्टम है, जितनी मर्जी आप टाइट कर लें। और ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को पाँव पे भी पहन के दिखाऊंगी, ये ना समझिएगा कि मैं पाँव पे नहीं पहन के दिखाऊंगी,
कुछ मैं आप लोगों को पहन तो नहीं पाऊंगी, लेकिन बड़ा क्यूट लग रहा था मुझे। साथ साथ ये मूव करेंगे, ठीक है? लेंच। अच्छा जी, अब ये है। जब मैं ज्वेलरी लेके आई तो जायना ने समझा कि ये मामा मेरे लिए लेके आए हैं। मैंने कहा बेटा है तो कुछ आपके लिए ही है, लेकिन इसके ऊपर पहले मैं फर्स्ट वीलॉग बना लूँ। अच्छा जी, ये देखें, सिंपल सी चेन बन के, चेन बनी हुई है और उसके अंदर छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं, और इसके अंदर भी सेम ऐसे ही वो बॉल्स, थ्री टाइप ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है जी। ये भी मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। ये ले जी, ठीक है, चले जी। अब मैं आप लोगों को पाँव पे पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। ये लें जी, ये देखें, मेरी जूती के साथ भी मैच हो रही है। ये देखें जी, अच्छी लग रही है ना। ये देखें, ठीक है, ये भी छान छान करती है। जब हम छोटे थे तो अम्मी हमारे लिए, मुझे याद है, घुंघरू वाली होती थी पजेब, वो छोटे होते हैं, मैंने, मुझे अभी जब मैं ये पहनी है तो मुझे याद आ गया कि हमें छोटे होते वो पजेब जो है वो बनाई जाती थी, ठीक है। अच्छा जी जनाब, ये थी मेरी पजेब की कलेक्शन, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी थी, क्योंकि जितनी मुझे अवेलेबल थी मैंने आप लोगों को दिखा दी। और मुझे अपने उस सब्सक्राइबर, यानी मैं उन हाथों का नाम तो नहीं याद, लेकिन स्पेशली जब वो ये वीलॉग देखें तो मुझे बताएं कि कौन सी पजेब उनको अच्छी लगी है। अगर उस वक्त ज़्यादा अवेलेबल होती तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा भी वैरायटी लाती। तो ये मैंने आपकी खुशी के लिए, आपकी ख्वाहिश के लिए जनाब, ये मैंने वीलॉग बनाया है। और आपने मुझे बताना है कि कौन सी ब्रेसलेट आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो आप जाके शॉप से, बाजार से जाके इस स्टाइल में बाय कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीलॉग क्या बनाऊँ वो भी आप लोग मुझे आइडिया दे दिया करें। ये अच्छी बात होती है कि न्यू आइडिया जब आप लोग देते हैं तो मेरे लिए आसानी होती है कि नेक्स्ट वीलॉग जो है वो इस पर बनाना, ठीक है। वो भी आप लोगों ने मुझे फीडबैक में भी बताना है, और मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट मैं क्या करूं, और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, और क्या चीज़, कौन सी ब्रेसलेट जो है वो आपको अच्छी नहीं लगी। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दें, सवा मुकदस को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।